हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मासूम स्टडी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, आज के दिन हुआ, संडे के दिन हुआ, 20 दिसंबर को हुआ फॉरेस्टर का एग्ज़ाम, जो कि बिहार फॉरेस्टर्स के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारे बच्चों ने अपना फीडबैक दिया है, तो उसके आधार पे ये सारा क्वेश्चन का आंसर है। चलिए हम लोग इस वीडियो में उस सारे आंसर को डिस्कस करते हैं। चलिए, आपको पता ही होगा, पहला क्वेश्चन नंबर से इसमें मतलब मत रखिएगा, इसको आप आंसर ही समझिएगा। तो एमाइड ग्रुप था कि इसमें से कौन सा ग्रुप एमाइड होगा, कीटोन था, अल्डिहाइड था, तो एमाइड ग्रुप होगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, हम इसे देखेंगे कि एस एस बॉन्ड कितना है, तो 0 SS बॉन्ड है और -1 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कि H2O2 का O2 का क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो -1 होगा, ठीक है। फिर एक था कि H2O2 इसी तरह कुछ था, और वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन का आंसर क्या था, टेस्ला, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट देखते हैं वाट, आपको वाट से पता चल गया होगा ये पावर का यूनिट था। जूल, जूल से पता चल गया होगा ये एनर्जी का यूनिट था। और जूल पर केल्विन पर मोल, ऐसा है, जूल केल्विन माइनस मोल माइनस, ये इंट्रोपी जो था वो उसी का आंसर है ये, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेंड, तो एक्सपेंड क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो स्प्रिंग एक्सपेंड करता है, ठीक है। और वो ग्राफ का ये होगा, ग्राफ इस तरीके से कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ क्या होगा, ये तरह से। और एक कि गैस कहाँ से रिसर्व हुआ था, विशाखापट्टनम, ये करंट अफेयर्स का टॉपिक का आंसर था। अगला अरुणाचल प्रदेश, मतलब वो जगविंदर सिंह का कोई मूर्ति या पूर्णिमा बनाया गया था या मंदिर, ऐसा कुछ क्वेश्चन था करंट अफेयर्स वाले में, तो अरुणाचल प्रदेश होगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन 1942 क्या भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी से जुड़ा हुआ, और आर्टिकल 137 जुरिडिक्शन, अरे हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में जो आता है आर्टिकल 137, इसका राइट आंसर होगा। फिर वो लीगल राइट है क्या, वो प्रॉपर्टी वो एक लीगल राइट बन गया है। फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वो सांसद से जुड़ा हुआ था जो, उसका आंसर हो जाएगा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर अपना पहला दिया था, तो सारनाथ, ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, ठीक। ये सब क्वेश्चन आप इसको मतलब बनाया हुआ क्वेश्चन है। नेफ्रॉन, किडनी का यूनिट नेफ्रॉन पता ही होगा। डिजराइली नेशनल वॉर किसने कहा, डिजराइली ने कहा उसको, ठीक है। और पेनरोज फिजिक्स, मतलब पेनरोज जे, उनको फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला गया। फिर लॉन्गेस्ट डैम हीराकुड डैम, ये सब आंसर आप पूरा बैठा के रखिए दिमाग में। डिफरेंट बॉडी और अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा, न्यूटन थर्ड लॉ होता है, ठीक है। हाँ, ऑड वन आउट चुनना था कि इनमें से कौन सा अलग है, तो मार्स, मरकरी और अर्थ, तो एक ये था, और सन क्या है, एक स्टार है, तो ये ऑड वन आउट है। फिर एक था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का की कंसंट्रेशन कैसे कम कर सकते हैं, तो उसका सही आंसर होगा कि उसमें वाटर जोड़कर, इस तरह का ऑप्शन था ऑप्शन, तो आप देख सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को और हार्ड या ऐसे कुछ बनाया जाता है, तो ऑप्शन में था कि बाय एडिंग वाटर, ठीक है। और प्रिज्म जब पास होता है तो 7 कलर में पास होता है, ठीक। मैथ, एक जो नॉर्मल मैथ था, आपने बायोलॉजी सेक्शन चुना होगा और मैथ सेक्शन चुना, वो नहीं, नॉर्मल मैथ में तो एक का बार वाला था कि 18.18 का बार का आंसर 2/11 होगा, ठीक है। और ऑड वन आउट में था कि वाटर क्या है, वाटर का ओशियन, एयर रीजनिंग में, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन था, तो उसका वाटर का ओशियन हो जाएगा, ठीक है। एक रीजनिंग था जो बॉक्स बनाया हुआ था 3-3 के बॉक्स में, और बोला था कि इसका क्या आंसर होगा, तो एक 31 था, फिर 33 था, ऐसा कुछ था, 35 कुछ था, इसी तरह था, तो टोटल 64/4 सबको जोड़ के, दोनों को जोड़ के 4 से भाग देना पड़ता था, तो 16 हो जाएगा आंसर। और जो नॉर्मल मैथ में, इस वीडियो में जितने भी मैथों की बात कर रहा हूँ, वो नॉर्मल मैथ की बात कर रहा हूँ, मैथ सेक्शन की नहीं, उसके लिए आपके लिए आपको अलग वीडियो में बना कर दूंगा। तो मैथ का एक 15 आंसर होगा कि किसी कोई नंबर है जिसको जिसका 4 गुना करके छोटा दो नंबर है, एक बड़ा एक छोटा, बड़े नंबर को छोटे नंबर का 4 गुना का अंतर 5, ऐसे इस तरह का कुछ क्वेश्चन था, उसका 15 आंसर हो जाएगा। और पॉपुलर सिटी, मोस्ट पॉपुलर सिटी, तो दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास इतना ही आंसर मिल चुका है, और अगर मिलेगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो थैंक यू, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।